ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं। We have to get this stop. इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। करेगा कॉल टाइगर। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत। दोस्तों, स्पाई एजेंट्स की कहानियां तो आपने कई सुनी होंगी। जहां कुछ लोग देश प्रेम के लिए स्पाई एजेंसीज की तरफ से काम करते हैं, लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो इनमें से कोई भी स्पाई एजेंट कोई बड़ा ऑफिसर नहीं होता, क्योंकि बड़े ऑफिसर्स ऐसे कामों के लिए अपने नीचे लोग हायर करते हैं ताकि वो सिर्फ उन्हें कंट्रोल करें और बात कभी उनके खुद के सर पर ना आए। लेकिन आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि ऐसे ज़माने में भी कुछ ऐसे रेयर ऑफिसर्स हैं जो सच में देश के लिए काम करना चाहते हैं, और उन्हें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि वो खुद अपने देश के लिए कुछ करें। वो किसी को भी अपने नीचे हायर नहीं करना चाहते। आज आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसे ही शख्स की कहानी जिसने एक आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद भी खुद के सर पर इतनी बड़ी मुसीबत ली, जबकि वो आसानी से किसी और को अपनी जगह रख सकता था। हर जगह अजीत अपना काम बेहद ईमानदारी से निभाता था, लेकिन उसे कभी भी देश के लिए कुछ बड़ा करने का मौका नहीं मिलता था, जिसका उसे खूब मलाल था। उसके पिता का भी यही कहना था कि आईपीएस बनकर वो कभी देश की सेवा नहीं कर पाएगा, जिस तरह हमारे देश के जवान भारत की रक्षा कर पाते हैं। इस सफर के करीब 8 से 9 साल बाद उसकी पोस्टिंग केरला में हुई। केरला आकर भी वो बेहद खुश था और अपने काम पूरा निष्ठा से कर रहा था। केरला में काफी टाइम तक उसने आईपीएस की ड्यूटी अच्छे से निभाई, लेकिन फिर 1980 में भारत में ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाने के ऑर्डर्स दिए गए। अजीत जानता था कि ये ऑपरेशन काफी खतरनाक है और इसमें कई लोगों की जान को बड़ा खतरा है, और वो खुद इसका मुआयना करना चाहता था। लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो गोल्डन टेम्पल के अंदर मौजूद सभी लोगों के बारे में अच्छे से जान सकता है, और इसीलिए इन सभी खालिस्तान के लोगों के इरादे जानने के लिए वो खुद एक पाकिस्तानी स्पाई बनकर गोल्डन टेंपल के अंदर दाखिल हो गया। उसने वहां सभी खालिस्तान टेररिस्ट को यही बताया कि वो खुद एक पाकिस्तानी स्पाई है और इसीलिए किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, जिसकी वजह से कई लोग सुरक्षित वापस खालिस्तान पहुँच गए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पाकिस्तान सरकार को पता चल गया कि किसी ने पाकिस्तानी स्पाई होने का दावा किया है और उसे पकड़ लिया, जिसके बाद अजीत को 7 साल पाकिस्तान की जेल में सजा काटनी पड़ी, क्योंकि उसने एक मुस्लिम पाकिस्तानी होने का झूठ बोला। जेल में अजीत के साथ काफी बुरा व्यवहार होता था, क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी था और इसीलिए उसे बाकी कैदियों से भी बुरा ट्रीटमेंट मिलता था। कई दिनों तक उसे भूखा प्यासा रहना पड़ता था और उससे कई तरह के काम भी कराए जाते थे। अजीत बताता है कि आज भी उसके पास पाकिस्तान की जेल से अपनी कुछ तस्वीरें हैं, जिसमें उसके हाथ और उसकी आज़ादी दोनों को कैद कर लिया गया है। करीब 7 साल बाद जब वो भारत वापस आया, तब उसका स्वागत खूब जोर शोर से किया गया और उसे भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र सम्मानित किया गया। उसके बाद अजीत ने करीब और 2 सालों तक अपनी आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी निभाई, लेकिन फिर रिटायर होने के बाद उसने कोई काम नहीं किया। वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको टाइगर फ्रेंचाइज का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।